रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद संबल के कमाता क्षेत्र के ग्राम बवेना में, और आज हमारे यहाँ पर आना हुआ है जनाब अख्तर साहब के पास, जो कि इनकी पत्नी जो है यहाँ से चुनाव की प्रत्याशी है प्रधान पद के लिए। तो अख्तर साहब, आपके यहाँ से फिलहाल जो है कौन चुनाव लड़ रहा है? आप इनकी पत्नी हिना जो है यहाँ ग्राम बवेना से प्रधान पद की चुनाव की प्रत्याशी है। तो एक बात बताइए, आप जो है आपका क्षेत्र जो है बिल्कुल अलग है, आप एक तरह से मेडिकल चलाते हैं यहाँ पर, तो क्या कारण रहा कि आप यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वजह आपको ऐसी लगती है चुनाव को लड़ना है प्रधानी के, क्या वजह है? जी, यहाँ पे लोगों ने हमें सुना, वो लेकर आए और उन लोगों ने लोगों को देखा जो पहले प्रधान रह चुके हैं यहाँ पर, वो खाली टाइम चले लोगों में बिल्कुल कोई सुविधा उनको ऐसी नहीं मिली जिसने लोगों का फैसला किया और वो हमें लेकर आए। इनका अक्सर जी का कहना है कि जो गांव के लोग हैं, जो एक खास कम्युनिटी है, उसने इनको चुना है और वो चाहते हैं कि हम एक ऐसा उम्मीदवार लेकर आए जो कि हमारे गांव के लिए विकास कार्य करे, तो इसलिए आपको चुना गया है। दूसरा सवाल मेरा सर ये है आपसे, आप फिलहाल गांव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दों के तहत आप वोट मांगेंगे? जी, यहाँ पर सरकारी योजनाएं एक तो तालीम के ऊपर शिक्षा, ये हमारे यहाँ पर शिक्षा जीरो है, यहाँ दुनिया स्कूल आठवीं तक है और हम चाहते हैं कि वो इंटर हो। शिक्षा का मुद्दा रहेगा ये। दूसरा मुद्दा क्या रहेगा आपका? दूसरा मुद्दा विकास का होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं आपके गांव की? स्वास्थ्य सुविधाएं कोई खास नहीं है यहाँ। क्या कोई अस्पताल की सुविधा सरकार की तरफ से है? जी, कोई नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ से जो है अब तक जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं यहाँ से और ब्लॉक के अध्यक्ष वो भी रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या कार्य किया है इससे पहले? कुछ नहीं कहा। क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी लोगों ने गाँव गाँव वालों ने? लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई उनसे, लेकिन वो उनकी उम्मीदों को खरे नहीं हुए। जी जी, हाँ, हमें यहाँ जिला पंचायत भी सदस्य मिला, ब्लॉक परिषद भी मिला, लेकिन आज भी गरीबों की छत चमक रही है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। आवास जो कॉलोनी व्यवस्था है सरकार की तरफ से स्कीम चलाई गई थी, उसके तहत कितने लोगों को लगभग यहाँ कॉलोनी मिली होगी, यानी आवास योजना के तहत घर मिले होंगे? यहाँ कोई खास कॉलोनी नहीं मिली, और कॉलोनी मिली नहीं तो उन लोगों को मिली जिनको कॉलोनी की जरूरत नहीं थी, उन लोगों को नहीं मिली जिनको मिलने की जरूरत थी। तो इनका कहना है कि जो पात्र लोग थे उनको कॉलोनी जिनको मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई और अपात्र लोगों को कॉलोनी मिली है। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, आपको जनता ने चुना है या ग्रामवासी ने चुना है, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप क्या क्या विकास करते हैं, क्या क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या क्या काम कराएंगे यहाँ गांव में? जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा जो होगा यहाँ पर इंटरनेट होगा, दूसरा लोगों की परेशानियों का आना है जी, उनकी देखभाल कर रही है, जो परेशान लोग हैं उनको उनके साथ रहना है। तो यहाँ पर जो है लोगों की परेशानियाँ, किस तरह की परेशानियाँ हैं, क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? अच्छा, आपके गांव की बिजली व्यवस्था कैसी है यहाँ की? बिजली व्यवस्था भी कोई खास नहीं है। हाँ, अक्सर सुनने में आता है कि लोगों के जो है बिल ज्यादा आते हैं। जी, ज्यादा आते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, कुछ काम करेंगे ऐसा आगे की लोगों के लिए? हाँ, उनके साथ खड़े हुए हैं। अपनी बात किस तरह से अधिकारी तक पहुँचाएंगे? अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने बताया हमारे यहाँ पर केवल आठवीं क्लास तक विद्यालय हैं, इसके अलावा आपको परेशानी आती है यहाँ की लड़कियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं, तो क्या कार्य करेंगे कि हाई स्कूल और इंटर यहीं पर हो जाए, किस तरह से लेके चलेंगे लोगों को, कैसे आप अपने समझाएंगे? जी, अगर अल्लाह ताला ने बताना चाहे जी जी, तो हम यहाँ इंटर कॉलेज लाए थे ताकि हमारी बहनें भाई यहाँ इंटर करके आगे डिग्री कॉलेज यहाँ इंटर करके उनको परेशानी नहीं आए गाँव से गाँव में। जी जी, आपके यहाँ जो है कितना वोट है गांव में? जी, हमारा 50% वोट है। नहीं, टोटल जो है कितना वोट वोटिंग पड़ती है, पोलिंग कितनी होती है यहाँ? यहाँ पोलिंग 2500 वोट होती है। 2500 वोट यहाँ पर है, तो इसमें आपको कितना वोट मिलने की आशा है? हमको 1300 वोट मिलेगा। अच्छा, अच्छा, आप ये भी सुना था कि आपका कुछ वोट जो रिजर्व रहता है आपका, ऐसा कुछ है? जी, कितना वोट आपको? 750 वोट हमारे रिजर्व है। मतलब वो आपको मिलना ही मिलना है, ये आपने बताया था हमको। जी, और बाकी वोट किस तरह से आप पूर्ति करेंगे, बाकी वोटों की कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या लोग आपको यहाँ पर जो है मतलब वोट देंगे? जी, सब लोग साथ हैं हमारे। सुनने में ये आया था केवल आपकी बिरादरी आपका साथ दे रही है, ऐसा कुछ है? या बिरादरी नहीं, सब लोग साथ हैं हमारे, सब लोग साथ। जी, जी, जी। तो कितना वोट आपका पक्का है पूरा? लगभग 13 साल के।
जिनका कहना है कि लगभग 2500 वोटों की पोलिंग, आप 2500 वोट हैं हमारे गांव में, जिसमें लगभग 1300-1350 रुपये 1300 वोट जो है पोलिंग में ले जाऊंगा और एक बड़ी जीत जो है मैं हासिल करूंगा। तो जीतने के बाद में एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पर जो है जो सड़क व्यवस्था है यहां पर वो कैसी है, यहां पर जो सफाई कर्मी आता है कि नहीं आता आपके गाँव में, आप कैसे इसको सुधारेंगे, जो नालियों की व्यवस्था है वो कैसे दूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना की बीमारी चल रही है आपको पता होगा, कोरोना काल में यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जाहिर सी बात है कि उसको देखना एक बड़ी परेशानी का सामना किया था हमने पिछले साल, इस साल लॉकडाउन में गुजरा है, तो यहाँ पर कैसे व्यवस्था बनाकर चलेंगे कोरोना काल में आप? जी अगर हमें जीत हासिल होती है तो हमने चीज़ पर ध्यान देंगे, रोड ठीक कराएंगे, नालियाँ ठीक कराएंगे, सफाई करनी तो है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ का, अगर हम आए तो काम ठीक है। अच्छा अभी आपके यहाँ जो प्रधान ये प्रधान के चुनाव लड़ रही हैं हिना जी, जी आप ही कौन है ये? ये हमारा तहेरे भाई ने दीदी। अच्छा तो इनकी चुनाव में स्थिति क्या है, कैसी छवि है इन लोगों की यहाँ पर? इनकी छवि भी बढ़िया है और इन्हें जनता ने सपोर्ट भी किया है और बिरादरी ने ज़्यादातर सपोर्ट किया है और बाकी हिंदू मुस्लिम सभी ने सपोर्ट किया है। आगामी चुनाव जो प्रधानी के आ रहे हैं इनके लिए क्या कैसा देखते हैं आप, क्या इनको फ़ायदा मिल पाएगा इन चुनावों में? जी जी काफ़ी वोटों से जीतने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे और हम लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, पुराने राशन डीलर हैं वो भी सपोर्ट हैं, पूर्व प्रधान हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन लड़ रहा है इन चुनाव यहाँ पर? इनके लिए साहब पुराने पूर्व प्रधान हैं जी, राशन डीलर भी हैं, नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, कुछ लोग छुपल भी हैं जी। अभी जो है यहाँ जो इससे पहले जो प्रधान दे चुके हैं उन्होंने किस तरह के विकास कार्य कराए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? विकास तो कराए हैं लेकिन खास तरीके से विकास नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा जो अब जो यदि चुनाव जीत जाते हैं जो प्रधान या अख्तर हैं जी, तो ये क्या विकास कार्य कराएंगे? विकास के लिए ही जनता ने इन्हें सपोर्ट करा है और विकास के लिए ही हम लोगों ने इन्हें चुना है, विकास तो करेंगे ये, तो क्या ऐसा नहीं है विकास नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का भी गरीब लोगों का विकास नहीं होगा करना, इसीलिए हमने इन्हें चुना है। अच्छा आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि हमारी ही जीत होगी? विश्वास के साथ ऐसा कह सकते हैं क्योंकि 750 वोट हमारे हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लोग मिले 1800 या 1250 का 50% हमें मिलेंगे, 1800 हमें मिलेंगे, 2000 तो वोट ही पड़ेंगे लेना, अरे भाई 2500 वोट हैं 2000 वोट पड़ेंगे ना, 2000 में 1800 एक प्रत्याशी कैसे मिल सकते हैं, फिर हमारे 750 कहाँ गए? तो 750 वोट आपके, 700 तो हमारे पड़ेंगे, ये पक्के हैं आपके वोट? पक्के हैं, इनमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा लोग सोच रहे हैं कि हमें वोट देंगे उनमें से 200 मिलेंगे 400 मिलेंगे, कोई वोट नहीं है अब क्या, तो हम इलेक्ट्रिकल का कोना भी नहीं मिल पाता। अच्छा बाकी वोट का इंतजाम कैसे हो पाएगा? बाकी वोट का हम विकास के ऊपर वोट मांग रहे हैं, जिन लोगों के जनता हमारे साथ है जिनकी मदद कर रहे हैं हम, वो भी हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन में कितना विकास कर रहे हैं? लॉकडाउन में जो सरकार ने हमारे लिए योजना दी थी कि भाई विकास विकास के लिए तो इनको चुना हमने, ठीक है। लॉकडाउन में राशन कैसे वितरण किया? राशन वितरण जो जल सरकार ने कह दिया था उसके हिसाब से हम पूरा देकर वितरण चलेगा जनता के, जैसे इस लाइक जैसे सरकार सस्ता गल्ला देती है वैसे तो कुछ गरीब है उनसे पैसे दिए आपने? नहीं नहीं बहुत लोग हैं ऐसे कि हम पैसे नहीं देते उनसे, कुछ लोग जैसे बड़े बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं कार्ड धारक कार्ड ही नहीं है उनके, उनके लिए गल्ला दे देते हैं लेकिन हमें पैसे भी नहीं देते, टाइम नहीं है नहीं समय नहीं है तुम्हारे पास नहीं तो बुलवा के तुम्हारे सामने अभी सुनवा भी देते हैं। अच्छा लोगों के काम आते रहते हैं आप जी, अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि हम जनता का विकास हो, प्रत्याशी हमारा बने, जैसे हमने 9 साल से दुकान चला रहे हैं उसी तरीके से हम प्रधानी को चलाएँ और जनता के बीच इनको पहुँचाएँ और इनसे विकास करें। ठीक थैंक यू।